दंतेवाड़ा जिले के आदिवासी समाज में कुछ आदिवासी समुदाय में जंगल छुपने की अनोखी परंपरा है। किशोर अवस्था में बालिकाओं को जब पहली बार महावारी आती है तो वो जंगल छुपने जाती हैं। वो जब महावारी चालू हो जाता है तब वो पुरुष के मतलब चेहरा नहीं देखेगी, वो जंगल में रहेगी और शाम को आएगी, वो भी अंधेला में और घर के पीछे रहेगी। उसके लिए कुटिया बना दिया जाता है ताड़ पत्थर लगाकर, तो वहाँ रहेगी। फिर सुबह हुआ बोलने से तुरंत फिर जंगल छुपते हैं। शेर, बालू, सर्प, ये सब चीज़ों से हम लोग को डर लगता था, क्योंकि वहाँ ना अपने साथ कोई सहेली रहती थी, ना कोई आते थे, ना कुछ नहीं। अकेली गंगोर जंगल में रहना बोले बहुत रिस्क की बात है। जनादाई नाग अपने आप में एक मिसाल है, जिसने न केवल सदियों पुराने इस रीति रिवाज परम्परा को तोड़ा, बल्कि किशोरी बालिकाओं में एक नया आत्मविश्वास को जगाया है। और अभी तो जैसे हम लोग महिला सामाख्या में आए, तब से किशोरी मंच में हम लोग जब जब बैठक करते हैं तब इसी की जानकारी देते हैं, क्यों छुपते हैं और क्यों छुपाते हैं हम लोग को। हम अपने मम्मी पापा से बात करते हैं तो क्यों नहीं बताते हैं, नहीं छुपना है, पुरानी रीति रिवाज है बोलते हैं। तो हम लोग खुद, मैंने ही मतलब रिवाज को थोड़ा सबसे पहले, उसके बाद ही किशोरियों को ये बात बताना चालू कर दिया है। और वैसे हमारे गांव में 5-6 किशोरियाँ और हैं जो तोड़ दिया है ये नियम को। ये रीति रिवाज के कारण हमारे ऊपर कोई विपरीत प्रभाव पड़ता है तो नहीं कहने का हमें अधिकार होना चाहिए। यही संदेश है जनादाई नाग का। इंडिया अनहर्ड के लिए दंतेवाड़ा दक्षिण बस्तर से मैं सरवत नकवी।